हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपनी लंदन अकोमोडेशन का टूर कराऊंगा कि मैं कैसी अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, कितने लोगों के साथ मैं ये अकोमोडेशन शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं ये रेंट दे रहा हूँ इस जगह पे रहने का। सो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज। और ये मेरा थर्ड अकोमोडेशन टूर है खुद का यूके में आने के बाद। पहला मेरा स्टूडेंट अकोमोडेशन था, उसके बाद जब मेरी यूनिवर्सिटी हो गई थी फिर मैं एडिनबरा में कहीं और मूव हुआ था, तो मैंने वहाँ का अकोमोडेशन टूर करा था। और अब मैं फाइनली लंदन मूव हो गया हूँ तो मैं यहाँ की अकोमोडेशन आपको दिखा रहा हूँ। ये अकोमोडेशन जैसे मुझे मिली वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस अकोमोडेशन पे एक्चुअली मैं पहले भी कई बार आया हुआ हूँ, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड की अकोमोडेशन थी। और जब मैं यहाँ पर आता था तो एज अ स्टूडेंट तो मैं सोचता था वाओ यार, अगर ऐसी अकोमोडेशन किसी के पास हो तो मज़ा ही आ जाए, काश मेरे पास भी ऐसी अकोमोडेशन होती। और जब मेरी फाइनली लंदन में जॉब लगी थी तो हुआ क्या था, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी से बात कर रहा था मैं ऐसे ही, तो मैंने उनको बोला कि मेरी इंडिया आने की टिकट्स बुक हो चुकी हैं और मैं कैसे अकोमोडेशन ढूंढूंगा लंदन में, मेरे पास टाइम ही नहीं होगा। और वैसे ही यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना इतना मुश्किल होता है और इंडिया से ढूंढना तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि यू डोंट वरी, आई कैन डू समथिंग फॉर यू। तो वो जो यहाँ पे अकोमोडेशन में एक भैया रहते थे उनको जानती थी, जो मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड हैं, और बेसिकली वो फाइनली इंडिया मूव हो रहे थे। तो आंटी ने उनसे मेरी बात करा दी और उन्होंने अपनी अकोमोडेशन मुझे दे दी। तो फाइनली जिस अकोमोडेशन में मैं एज अ स्टूडेंट आया करता था कभी कभी और उसको देख के आई वॉज सो मेसमराइज्ड, आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन दैट अकोमोडेशन विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज, बट थैंक्स टू आंटी फॉर हर हेल्प। दैट वॉज रियली रियली अमेजिंग कि मेरे को विदाउट इवन अ सिंगल व्यूइंग लंदन में अकोमोडेशन मिल गई। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस अकोमोडेशन की ये लगती है इसकी लोकेशन। सो ये अकोमोडेशन नॉर्थ ग्रेनिच में है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई कार्स का रास्ता नहीं है। और ये जो आपको सामने जगह दिख रही है थेम्स रिवर है, सो व्यू बहुत अच्छा है इस अकोमोडेशन का। मतलब यहाँ पे कार्स नहीं आ सकती, यहाँ पे सिर्फ लोग वॉक करते हैं। ये वॉकिंग लेन है और ये साइकिलिंग लेन है, और वहाँ पर आप देखोगे तो केबल कार जा रही है जहाँ से आप ये रिवर क्रॉस कर सकते हो। और पास में ही O2 अरीना है जहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं। और स्टेशन भी, नॉर्थ ग्रेनिच स्टेशन भी यहाँ से 14 मिनट्स वॉक ही है। सो ये घर के सामने वाला इलाका है जहाँ पे एकदम रिवर का व्यू आता है, कभी भी सनसेट होता है, सनराइज़ होता है, मून राइज़ होता है, उसकी पूरी रिफ्लेक्शन रिवर पर आती है। और बहुत ही मेरे को ये पीसफुल जगह लगती है, मेरे को बहुत अच्छी जगह लगती है। और यहाँ पे इसी बिल्डिंग का एक जिम भी है इसके पीछे वाली साइड, जो कि 11th फ्लोर पर है यहीं पे। सो वहाँ से भी पूरा रिवर का व्यू आता है। सो इन टर्म्स ऑफ लोकेशन इट्स रियली नाइस। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी अकोमोडेशन के अंदर, जो लिटरली रिवर के बिल्कुल सामने ही है। सो अकोमोडेशन में हम जा रहे हैं। सो ये हॉलवे है जिसमें से सीढ़ियों से रूम्स में जाता है सारा रास्ता। और अभी हम आएंगे लिविंग एरिया में। सो लिविंग एरिया में किचन है और उसके बाद सिटिंग स्पेस है। अगर मैं आपको सिटिंग स्पेस दिखाऊं तो ये बहुत बड़ा सोफ़ा है, तो कभी मेरे फ्रेंड्स को रुकना पड़ जाए, किसी और के फ्रेंड्स को रुकना पड़ जाए बाकी फ्लैटमेट्स के, तो वो यहाँ पे भी इमरजेंसी में सो सकते हैं। टीवी भी है, अब आप सोचोगे टीवी उल्टा क्यों रखा हुआ है, उसकी एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी बताऊँगा मैं। उसके बाद यहाँ पर टेबल्स हैं जहाँ पर आप बैठ के खाना खा सकते हो, और वहाँ पर किचन है। किचन में यहाँ पे हॉब है, अवन है, माइक्रोवेव है, जो हर अकोमोडेशन के साथ मिलता है। फिर यहाँ पे डिश वॉशर भी है, जो कि बहुत बड़ा अपग्रेड है मेरी पुरानी अकोमोडेशन के बाद, क्योंकि बर्तन नहीं धोने पड़ते यार, बहुत बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है डिश वॉशर से, काफ़ी अच्छे तरीके से बर्तन धुल के निकलते हैं। सो इट्स अ बिग हेल्प। सो यहाँ पे डिश वॉशर है। सो ये रही किचन, अभी थोड़ी साफ नहीं है बट आई थिंक इट्स फाइन। ये लिविंग एरिया है। सो अब मैं आपको रूम में लेके जाता हूँ, बट रूम में ले जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं दो लोगों के साथ और ये फ्लैट शेयर कर रहा हूँ। सो इन टोटल तीन लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एक ऑन स्वीट रूम है जिसका बाथरूम उसके साथ ही है, उसमें मैं नहीं रह रहा हूँ। फिर एक छोटा रूम है और उसके बाद एक मीडियम साइज रूम है, तो मैं मीडियम साइज रूम में रह रहा हूँ। यहाँ पे ऑन स्वीट रूम के साथ तो बाथरूम वॉशरूम है ही अटैच्ड, लेकिन उसके अलावा दो वॉशरूम है और एक बाथरूम है,
उसके अलावा जिसमें जो बाकी दो फ्लैटमेट्स हैं वो जा सकते हैं। और अब मैं आपको अपने रूम में लेके जाता हूँ और उसके बाद मैं आपको इस जगह का रेंट बताऊँगा। सो ये मेरा रूम है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट आई थिंक फॉर अ सिंगल पर्सन इट्स फाइन। यहाँ पे स्पेशियस बेड है एक सिंगल इंसान के लिए, वहाँ पे टेबल है, चेयर है, यहाँ पे अलमीरा है जिसके ऊपर मैंने अपने डब्बे रख रखे हैं जो दिखते अच्छे नहीं हैं बट अभी फॉर द टाइम बीइंग मैंने ऐसे रखे हुए हैं। और यहाँ खिड़की से रिवर का व्यू भी आता है, तो जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मैं आराम से सनराइज होते हुए देखता हूँ और वो मेरे को काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और अब हम यहाँ के रेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो इस घर का जो रेंट है उसमें मेरा जो शेयर है वो है 1000 pounds पर मंथ एक्सक्लूडिंग बिल्स एंड काउंसिल टैक्स। यहाँ पे जो फ्लैटमेट्स हैं उन्होंने जो रेंट है वो रूम साइज़ के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। टोटल घर का रेंट 3000 है बट बेस्ड ऑन माई रूम साइज़ 1000 है। साइड वाला छोटा है तो उसका कम रेंट होगा और जो सबसे बड़ा वाला ऑनसुइट रूम है उसका ज़्यादा रेंट होगा, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है बट आई एम पेइंग 1000। और इसके लिए मैंने 1000 डिपॉजिट भी पे करा था घर के लिए और बिल्स वगैरह ऐड करके 1150 pounds ये पड़ ही जाता है। बट यू नो इमिग्रेंट लाइफ प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। जब यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गया था और मेरा मूव होना पक्का हो गया था उससे थोड़ा पहले मुझे पता चला कि जो लैंडलॉर्ड है उसने डिसाइड करा है इस जगह को बेचने का। सो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकता, सिर्फ मई एंड तक ही रह सकता हूँ और इसलिए मुझे मई एंड से पहले पहले एक नया घर ढूंढना होगा। बट आई ऑल्सो फील लाइक सिंस ये घर मिलने में इतनी मुश्किल नहीं हुई तो ठीक है, एक बार मैं दोबारा मेहनत कर लूँगा वो नॉर्मली होगा। बट अगेन आई फील लाइक कि ऐसी जगह घर मिल पाया कि नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी लोकेशन है, पहली बार मैं इतनी अच्छी लोकेशन में, पहली बार तो नहीं जब स्टूडेंट था तो भी बहुत अच्छी लोकेशन थी मेरी अकोमोडेशन की, बिल्कुल राइट इन द सेंटर ऑफ एडिनबरा रॉयल माइल से उतरते ही। बट यहाँ की जो रिवर वाली लोकेशन है वो तो अमेजिंग है, थेम्स रिवर के सामने आपका डोर खुलता है तो अच्छा तो लगता ही है। बट देखते हैं नेक्स्ट अकोमोडेशन कहाँ मिलती है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं लोकेशन के पीछे जाऊँगा या फिर थोड़ा सा बजट कॉन्शियस डिसीजन लूँगा, वो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। सो आई विल कीप यू पोस्टेड बट आई होप यू लाइक माई अकोमोडेशन टूर एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।